कॉन्फिडेंट बच्चा है भाई, पूरी तरह रेडी है। क्या तैयारियां की है सीजन टू के लिए? सीजन टू के लिए उन्होंने बहुत सी तैयारियां की है और सीजन टू में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। कुछ चेंजेस के बारे में बताना चाहेंगे? चेंजेस के बारे में अभी तो नहीं बताना चाहेंगे, पर वो बाद में बताएंगे हम आपको। सर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सेकंड सीजन जो है वो डिजाइन किया गया है? देखिए सबसे खास बात तो यह है कि सीजन टू हो रहा है। सीजन टू इसलिए हो रहा है कि हमने पहले सीजन वन किया, सक्सेसफुल तरीके से किया, उसको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। सम्स एक छोटा सा बच्चा जिसके दिमाग में ये आइडिया आया और इस आइडिया को उसने इम्प्लीमेंट किया और करके भी दिखाया। एक इतने छोटे बच्चे के द्वारा कोई इवेंट करना, कोई शो लेके आना, कोई बात सामने रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि जनरली लोग बच्चे की बात मानते नहीं, लेकिन कोई अच्छा बात। और जैसा कि मैंने इसका स्टोरी सुना कि जी किस तरह से इसके दिमाग में आया, किस तरह से इसके मन में आया, तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर सीजन टू हो रहा है तो ये सबसे बड़ी और अच्छी बात है। क्योंकि सीजन वन के अगर अच्छा नहीं होता, रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो सीजन टू नहीं आता है। सीजन टू आ रहा है इसका मतलब है कि सीजन वन में हमको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला, लोगों ने पसंद किया। हम जैसा कि बताया कि बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में गए, बहुत सारी जगह में किया, ऑडिशन किया, प्रमोशन किया और पूरे पैन इंडिया से लोगों को चांस दे रहे हैं। खास बात यह है कि इसमें आपके पास कोई भी टैलेंट हो, आपके पास सिंगिंग हो, डांसिंग हो, आप अच्छी मिमिक्री करते हो, आप अच्छा किसी की नकल करते हो, या कोई ऐसा टैलेंट है जिससे को देख के लोग बहुत पसंद लोगों को आए या एंटरटेन्ड हो, तो वो प्लेटफॉर्म देने का कोशिश ये छोटे से बच्चे ने किया है और हम सब इसके कारवा में शामिल हैं। सीजन टू में कुछ नए चेहरे भी नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखो, कभी भी बदलाव तो होता ही है, नए नए चेहरे आते भी हैं और नए चेहरे नई नई चीजें आना ही एक 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 अच्छे स्टेप की निशानी होती है कि हर बार जब कोई नया कोई काम करता है तो उस पर कोई नए नए लोग कदम रखते हैं, नए लोग ज्वाइन करते हैं, और जब ज्वाइन करते हैं इसका मतलब है कि हाँ कुछ अच्छा पास में हुआ था तो अभी कुछ और अच्छा होने वाला है। इसके अलावा ऑडिशन किस तरह का होने वाला है, क्या तैयारियां की गई है? ऑडिशन के लिए भी तैयार जाने वाले हैं या और भी कोई सिटीज ऐड किया है आपने? प्लीज एक बार वापस भेजिए, मेरे को समझ नहीं आया। ऑडिशन के लिए क्या उसी सिटीज में जाएंगे जहाँ पर पिछली बार गए थे या इस बार कुछ और सिटीज आपने ऐड ऑन किया है? हम लोग और नई सिटीज में जाएंगे और वहाँ के भी टैलेंट्स को ढूंढेंगे। सर आपसे जानना चाहेंगे, टूरी मेंबर है आप जी, कितनी तैयारियाँ की है आपने और सीजन वन आपने देखा क्या? ये तो हमारे ही प्लेटफॉर्म पर है तो डेफिनेटली सीजन वन देखा है, और तैयारी ज्यूरी मेंबर की नहीं होती, मेन तो तैयारी कंटेस्टेंट की होती सबसे पहले। बट हाँ, टफ होता है जब आपके पास इतने सारे कंटेस्टेंट्स होते हैं, इतने सारे आपके पास टैलेंट है, तो उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकालना वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सो यार डेफिनेटली हम वेट कर रहे हैं कि शम्स अच्छे सिटीज़ में जा के सर के साथ जा के नए टैलेंट्स लेके आए ताकि हमें भी मौका मिले टैलेंट को देखने का और इन्हें ज्यूरी में शोकेस करने का। सी अपने भारत देश में टैलेंट की कमी नहीं है, आप कहीं भी चले जाओ, बॉम्बे हो, एमपी हो, यूपी हो, कश्मीर हो, मतलब इतना टैलेंट भरा हुआ है कि मतलब फर्स्ट सीजन तो चलो हुआ बट सेकंड सीजन में आपको नई चीज़ें और भी देखने को मिलेंगी। अगर मैं अभी डिस्क्लोज करूँगा या शम्स डिस्क्लोज करेगा तो उसका मज़ा नहीं आएगा, तो हम ये चाहेंगे कि जितनी भी हमारी ऑडियंस है, जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे इस एपिसोड्स का वेट करें और देखें कि क्या क्या चीज़ों में इसमें बदलाव होने वाला और क्या क्या आने वाला है। लास्ट सीजन में एज क्राइटेरिया नहीं रखा गया था, इस बार क्या वो होने वाला है? नहीं, इस टाइम भी एज क्राइटेरिया। तैयारियां हमेशा आदमी एक साल से शुरू करता है। पिछले साल जब पहला सीजन हुआ था तो मुझे बताया गया कि उसके बाद से ही सोचना शुरू कर दिया कि अभी अगला सीजन कैसे करेंगे, क्योंकि तैयारियां तो आपको करनी पड़ती है। कोशिश बस यही है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए, अच्छे लोगों को मौका दिया जाए। वो लोग जो पीछे रह जाते हैं, वो लोग जिनको मौका नहीं मिल पाता, वो लोग जो थोड़े से 19 रह गए थे, जो पहुंच नहीं पाए थे, उनको एक प्लेटफॉर्म देना। और आपके पास कोई टैलेंट, जो भी आपके पास टैलेंट है उसको सामने लेकर आना, बस यही कोशिश रहेगी।
और यही हमेशा से कोशिश रही है। पिछला सीजन करने के बाद ये सीजन हम करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि जनरली जो मैंने पहले कहा कि लोग एक सीजन के करने के बाद या तो भूल जाते हैं या तो उसको छोड़ देते हैं बीच में, लेकिन हम सीजन टू भी किया है, हम आगे भी करेंगे और करते रहेंगे। ये सीजन टू उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम सीजन वन करने के बाद हम सीजन टू लेकर आए। टैलेंट शो के कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, गली गाइस ने पिछली बार ये साबित किया कि वो बेहतर है, इस बार किस तरह से चैलेंज होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे नए प्लेटफॉर्म्स भी आ चुके हैं टैलेंट के, ऐसे में गली गाइस कितना एफर्ट करने वाला है लोगों तक पहुँचने के लिए? देखो, प्लेटफॉर्म तो आपको बहुत बड़े बड़े भी मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेंगे जो कि बहुत बड़े स्केल में किए जाते हैं। गली गाइस की खासियत यह है कि हर गली मोहल्ले के बच्चे को, बूढ़े को, जवान को, किसी भी तरह का टैलेंट है उसको हम प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं, और यही हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज भी है कि हम कैसे उनको कोशिश करके हम उसको एक अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर पाएँ। कोई अच्छा गाना गाता है लेकिन उसको मौका नहीं मिला, उसको वो चीज़ नहीं मिली, वो सपोर्ट नहीं मिला, तो वो हम सपोर्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे और हमारी तरफ से पूरा 100% लगाएंगे कि जो भी टैलेंट है उनका सामने आए और अच्छे तरीके से आए, हम अच्छे तरीके से उनको शोकेस कर पाएँ। मुझे एक्साइटेड तो ऑफकोर्स बहुत है क्योंकि पहली बार भी ये शो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, और हम यही चाहते हैं कि जब हमने एपिक्स प्राइम लॉन्च किया था तभी भी हमने यही कहा था कि एपिक्स प्राइम के पीछे मेन मोटो ये नहीं था कि स्टार कास्ट को लेके आओ, हमेशा से मैंने यही कोशिश किया कि जिनके अंदर टैलेंट है उनको लेके आओ, और ये शो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा शो है जो हमारे प्लेटफॉर्म का एक पहचान भी, मतलब प्लेटफॉर्म को एक पहचान भी देगा, क्योंकि ये शो में सबसे बड़ी खासियत ये है कि बच्चे जो है, बच्चे हो या बूढ़े हो या जो, जैसे नो एज लिमिट है, किसी के अंदर जो भी टैलेंट है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि आपको गाना ही गाना है या आपको डांस ही करना है, आप कुछ भी टैलेंट ला सकते हो, तो ये मुझे लगता है कि शो की खासियत है, और ऑफ कोर्स आई एम वेरी एक्साइटेड। जी बिल्कुल नहीं, ये लोग ऑलरेडी बहुत काबिल है, और मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा, क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, तो क्रिएटिविटी में आप जितना भरपूर हमें मसाला दे सकते हैं या हमें मसाला मिल सकता है वो सबसे लिए अच्छा है। सब्जी में जब थोड़ा सा मसाला अच्छा होता तो अच्छी लगती है, तो इसलिए क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं है। अच्छा, लास्ट सीजन टेलीकास्ट हुआ था प्लेटफॉर्म पर, कितना बढ़िया रिस्पांस मिला था, तभी तो आई थिंक सेकंड सीजन बन रहा है, किसी चीज में अच्छा रिस्पांस होता है तभी दूसरा सीजन लोग बनाते हैं, तो डेफिनेटली अच्छा ही रिजल्ट। हमेशा हर बार एक्सपेक्टेशन बढ़ ही जाती है हर एक चीज़ों में, तो ऑफकोर्स बढ़ तो गई है इस बार भी, और मुझे लगता है कि इस बार भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस आएगा और उसी की उम्मीद रखती हूँ। सौमिता और पारस मेरे बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, एंड एपिक्स प्राइम इज़ लाइक अ फैमिली, हम खुद एक फैमिली हैं, तो आई हैव जस्ट कम टू सपोर्ट देम, क्योंकि सौमिता और पारस बहुत क्रिएटिव है और हमेशा किसी ना किसी चीज़ में लगे रहते हैं, एंड व्हेन दे टोल्ड मी अबाउट दिस कि एक बहुत छोटा सा बच्चा है जिसका इनिशिएटिव है ये पूरा, सो आई हैड टू कम टू सपोर्ट देम एंड टू सपोर्ट हिम, सो आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट, और यहाँ से मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छा टैलेंट देखने को मिलेगा। Definitely. और अलग अलग किस्म का टैलेंट मिलेगा, इंडिया में सिर्फ डांसिंग या सिंगिंग नहीं है, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, तो आई एम श्योर कि बहुत कुछ अलग अलग आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैम, आपने पहली सीजन देखा है? मैंने थोड़ा सा देखा है, पूरा नहीं देखा है। 100% इस बार तो मैं बोल रही हूँ मेरे को देखना है पूरा। सबसे अच्छा उस समय जब आपने ये देखा पूरा? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो थॉट प्रोसेस है ना वो ही बहुत अच्छा है, दैट दे आर गोइंग टू डिफरेंट सिटीज, गेटिंग एज लिमिट नहीं है, एंड दे आर गोइंग टू स्लम्स, स्लम पीपल, स्लम किड्स पीपल, एवरीबडी इज पार्ट ऑफ इट, तो वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप कहीं भी जाइए, एक टाउन में जब कोई बच्चा रहता है तो उसको फैसिलिटीज़ बहुत अवेलेबल होती है, लेकिन जब आप किसी स्लम एरिया में कहीं जाएं तो उतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, तो वो ऑड्स को क्रॉस करके कहीं आना, दैट इज़ कमेंडेबल, सो आई थिंक ये इसका 100% USP है, दैट इट हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ टैलेंट, एंड प्लस ये किस एरिया को केटर कर रहा है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आते हैं जहाँ पर बच्चे आते हैं, डेफिनेटली ये जो हमारा शो है ये बेसिकली इसका यही मीडियम है कि बहुत सारे लोग, बच्चे,
जो इतने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जाते हैं उनको चांस नहीं मिल पाता, या वो निराश हो जाते हैं, या एक लेवल पे पहुंच के वो उस लेवल तक मुकाम नहीं पहुंच पाते। तो हमारा एपिक्स प्राइम है इस प्लेटफॉर्म के बदले में उन सबको वो सारी प्लेटफॉर्म देगा जहाँ पर वो मिस कर रहे हैं चीज़ों को, हम आगे भी उन्हें काम देंगे। मैं तो एपिक्स प्राइम चलता रहे और हम लोगों को काम और टैलेंट को हम बस हम खोजें। मैं एक्चुअली कह सकती हूँ कि अभी इनकी एक साइबर सिंगम जो आई है अभी, जो सेकंड पार्ट है वो भी सेकंड सीजन है, उसमें भी इन्होंने मतलब उसमें सिर्फ चार मेन थे एक्टर्स, बाकी 47 कास्ट इज नॉन एक्टर जो उन्होंने उधर से टैलेंट निकाला खोजा। फैंटास्टिक वर्क। सो एक्चुअली सौमिता पारस टैलेंट ढूंढ के निकाल रहे हैं। जिनको जी एक्साइटेड तो बहुत हैं क्योंकि एक कॉन्सर्ट मेरे बेटे का है पूरा, है ना। अब एक माँ को कैसा लगता है वो तो आप लोग खुद समझते होंगे ना। और बहुत अच्छा फर्स्ट सीजन गया, इसलिए हम लोग ने सेकंड सीजन करने के लिए मेरे बेटे को बोले हैं। और अभी हमारे बेटे ने जो गाना किया है वो गाना भी आप लोग देखिए। हाँ, ये आज हम एक गाना रिलीज कर रहे हैं, तो वो आप गाना देखिए और बताइए कि कैसा है। ये सन्स के ऊपर हमने गाना पिक्चराइज किया हुआ है, तो अभी आपके सामने वो गाना भी दिखाया जाएगा। जी जी, बस हम देखते हैं, बाकी सब कुछ हम करते हैं, हम उनके साथ में रहते हैं। बहुत टैलेंटेड बच्चा है भाई, आप लोगों को पता तो होगा ना कि इसके दिमाग में कैसे आया था, ये दिमाग में आया कैसे, मालूम है क्या? आप नहीं, अगर मालूम है तो पूछ लीजिए एक बार, बताइए। मैं ना एक बार एक फंक्शन में गया था, क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सेलिब्रिटी कौन कौन आ रही है सीजन। वो तो जो आएंगे आप देखिए, आपके सामने आएंगे, अभी तो हम बोल नहीं सकते कौन आएंगे कौन नहीं, अभी तो जो है जी। जी जी, नहीं जज नहीं बनाएंगे, पर वो चाहे तो रिपीट हो सकते हैं, वो चाहे तो वापस कोई नया टैलेंट, अच्छा टैलेंट लेके वापस दिखा सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत जरूरी सवाल है कि 25 लाख आपने लास्ट टाइम ऐलान किया था जी, तो कैसे मिला और उसके बारे में क्या? और उसके बारे में अंकल बताएंगे आपको। देखिए अभी तो मैं नया नया जुड़ा हूँ कि गली बॉयज एंड गर्ल्स, और गलियों से टैलेंट निकालना ये बहुत ही मुश्किल काम है। और प्रिया जी का और शम्स का जो प्रयास है वो उसी तरह है जिस तरीके से मधुमक्खी जो है वो फूल ढूंढती है कि किस फूल से मैं वो शहद चुनूं और मेरा शहद जो है उसकी खुशबू दुनिया में जाए, उसी तरीके से शम्स भी, और ये टीम वर्क है, सब टीम पूरी मेहनत कर रही है नई नई चीज़, और गलियों में से टैलेंट निकालना ये अभी तक किसी ने नहीं किया, ये फर्स्ट प्रयास इनका ही था। और अंजाम बहुत अच्छा होगा क्योंकि आगाज बहुत अच्छा हुआ है, और जब शुरुआत अच्छी होती है तो अंजाम हमेशा अच्छा होता है। और मेन चीज़ है कि इनके अंदर कोई लालच नहीं है, इन्होंने जो भी प्राइस अनाउंस किया है वो प्राइस वो देंगे, और उस प्राइस को लेने के लिए लोगों में अभी से होड़ लगने लगी है, और लोग अपना अपना टैलेंट इनके इनसे कॉन्टैक्ट करके दिखाने लगे हैं, और जल्दी जैसे जैसे सब लोग घूमेंगे तो हमको मिलेगा, तो हम लोग उसमें से बेस्ट टैलेंट लेके आएंगे, और वो टैलेंट हिंदुस्तान की सेलुलाइट पे ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जाएगा। और क्योंकि प्रिया जी का जो सोच है वो ये है कि शुरुआत बसंत ऋतु की तरह होती है, लेकिन उसमें अगर सबका सहयोग और अल्लाह मेहरबान हो जाए तो बड़ी हो जाती है। ऑल द बेस्ट, गुड लक। मैडम एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहेंगे और साहब से भी जानना चाहेंगे, गलियों से टैलेंट निकालना तो इतना मुश्किल नहीं रहा था, उससे ज़्यादा मुश्किल उनको मैनेज करना रहा था लास्ट सीजन जो हमने देखा, आपस में लड़ाई झगड़े करना। तो इस बार क्या उस चीज़ से आपने सीखा है और क्या इस बार वो गलतियाँ होगी? नहीं, कुछ वो टाइम की गलतियाँ अभी नहीं होंगी, और अभी हम लोग चाहते हैं कि और से और अच्छा बने शो हमारा।
इसमें हम उठने की जरूरत है नहीं। और से और अच्छा शो बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए कुछ तैयारियाँ हैं। हम लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करेंगे कॉन्टेस्टेंट के पीछे, जिसमें कि वो और अपना अच्छे से टैलेंट निकाल सकें। अच्छा, ये सीजन का फिनाले कहाँ होने वाला मैडम? आपको लखनऊ में, लखनऊ में फाइनल जी। एक्चुअली सीजन टू अभी तक जहाँ तक मुझे पता चला कि लाइक एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जितने भी लाइक जो डिजर्व करते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ओके, सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिनको, जो डिजर्व करते हैं। आई होप कि ऐसे ही जितने भी इंडिया में और लोग हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, तो इसी तरह के और भी शो आए जहाँ पर उन लोगों को एक चांस मिले। तो बहुत ही अच्छा। ओके, एक्चुअली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर बात करें इंडिया की, ऑल ओवर द इंडिया, तो ऑल ओवर द इंडिया में बहुत सारे विलेजेस है, बहुत सारे गांव है जहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, ठीक है, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो अब यहाँ पर जो आज लेके आए इन्होंने, ठीक है, जो भी लाइक सीजन है, सीजन टू, सीजन वन में तो आई होप कि और लोग, बहुत अच्छे अच्छे लोग आए रहेंगे, बट सीजन टू की बात करें तो आई होप कि इंडिया से जितने लोग आए, जितने लोग हो सके पार्टिसिपेट करें, ठीक है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। Flags were very much there and still with us. 25 लाख का चेक हमने हमारे पास नहीं रखा था, फेम मीडिया के नजमा मैडम को दे दिए थे, और हमारी ये कंडीशन थी कि जो भी हमारे तीन सवालों के सही सही जवाब देंगे तो उनको वो पैसा दिया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई उम्मीदवार नहीं आया कि जो सफल हुआ इन प्रश्नोत्तरी के अंदर, और वो चेक अभी भी मैडम के पास है, आज वापस लेंगे और आज हम उनसे वापस लेंगे नाउ। हाँ, और हम वेरी मच वी आर देयर टू गिव द प्राइस मनी, उसमें कोई मतलब वो नहीं था। और आने वाले सीजन में भी, सेकेंड सीजन में भी हमारा यही प्राइस मनी रहेगा, 25 लाख भी अगेन भी सरप्राइज टू द कॉन्टेस्टेंट। जी सर, पहले 25 तो जीत नहीं, 25 तो अभी है ना, उतने ही अभी, तो मतलब देखेंगे, डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस। देखिए ये एक यूनिक शो है, ऐसा शो आज तक किसी भी टीवी चैनल पे या भारतवर्ष के किसी भी स्टेज के ऊपर ऐसा शो नहीं हुआ है। हम लोग जो है भारत के अलग अलग सिटीज में गए थे, इस बार हम लोग जो है और नई सिटीज में जाएंगे, जैसे कि लखनऊ, नागपुर, हैदराबाद, रांची, अहमदाबाद, तो यहाँ पर जाकर के हम वहाँ पर ऑडिशन करेंगे, कैसे स्लम्स एरिया में जाकर के, ऐसी जगह में जाकर के हम लोग टैलेंट को तराशते हैं कि जहाँ पर इनको कोई अवसर नहीं मिलता है, उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। और बाकी जो शोज होते हैं उसके अंदर ऑलरेडी टैलेंटेड पीपल लोगों का टैलेंट दिखाते हैं, हम अनटैलेंटेड पीपल को लेकर के आगे, अनस्किल्ड लेबर को लेकर के आगे, हम उनको स्किल बनाते हैं, हम उनको ग्रूम करते हैं, वी डेवलप द स्किल्स, देखते हैं कि भाई इनके अंदर क्या टैलेंट है। और 25 लाख का फिर से रखेंगे हम लोग सरप्राइज प्राइस। हाँ, और मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो चेक अभी तक उनके पास ही है। हाँ, देखिए हमारे पास भी नहीं, उन्हीं के पास है। ओके जी।